भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी से किसी एक पक्ष को इंसाफ देने वाला नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष को इंसाफ मिला है। ये पूरे भारतवर्ष की जीत है। भारत की सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति है, उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया है और पूरे भारत की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जजों ने बहुत गंभीरता और सोच समझकर निर्णय लिया है, जिसको सब लोग मानेंगे, ऐसा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी से किसी एक पक्ष को इंसाफ देने वाला नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष को इंसाफ मिला है। ये पूरे भारतवर्ष की जीत है। भारत की सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति है, उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है और पूरे भारत की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जजों ने बहुत गंभीरता और सोच समझकर निर्णय लिया है, जिसको सब लोग मानेंगे, ऐसा विश्वास है। राम मंदिर बनने की देश के करोड़ों लोगों की इच्छा पूरी होगी, जिसकी बहुत प्रसन्नता है। इस फैसले के लिए भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। शांता कुमार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के समर्थन में पहला प्रस्ताव 1999 की भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पालमपुर में ही रखा गया था, इसलिए प्रदेश की जनता के लिए आज का ये दिन खास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को दोहरी खुशी मिली है, एक इन्वेस्टर मीट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, दूसरा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राम जन्मभूमि पर आज का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी एक पक्ष को इंसाफ देने वाला नहीं है, पूरे भारत को इंसाफ मिला है। ये पूरे भारत की जीत है। भारत की जो समन्वय प्रधान संस्कृति है, सबको साथ लेकर के चलने की संस्कृति, जो हमारे वेदांत की जड़ है, जो हमारे चिंतन मनन का आधार है, तो मैं समझता हूँ उसी के आधार पर ऐसा फैसला हुआ है जिसमें सबकी जीत है, पूरे भारत की जीत है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय 5 जजों ने बहुत गंभीरता से सोचकर ऐसा निर्णय दिया है जिसको सब मानेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब राम का मंदिर बनाने की देश के करोड़ों लोगों की इच्छा पूरी होगी, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं जुडिशी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारत के लोगों को भी बधाई देता हूँ।